गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक शैम्पू का, और ये शैम्पू है एक हमारे स्वदेशी ब्रांड का। और ये जो ब्रांड है, इन्होंने अपनी जो भी ब्रांडिंग की है या जितनी भी मार्केटिंग की है, वो इस एक जो लाइन है स्वदेशी प्रोडक्ट उस पे की है। और इनके बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है अभी मार्केट में है, और आप इनकी एक्सक्लूसिव शोरूम्स जो है वो भी आप जगह जगह देखेंगे। एंड ये दावा करते हैं कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हर्बल होते हैं, स्वदेशी होते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट से बने होते हैं। और अभी इनके कुछ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप टूथपेस्ट ले लें, शैम्पू ले लें, या फिर आप ऑयल ले लें, क्रीम्स ले लें, बट मैं इनके प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही थी। बट रिसेंटली शैम्पू खत्म हो गया था, तो मुझे जल्दी शैम्पू चाहिए था, तो मैंने एक जो मोबाइल ऐप है उससे ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि सबसे सस्ता जो शैम्पू था उस पे वही था। एंड मैंने उसे एक डेढ़ महीना लगाया है, उसके बाद मैं ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं उस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ, ज्यादा लेट नहीं करती, जल्दी से आपको बताती हूँ कि भाई ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बारे में इतनी सारी बातें कर दी बट नाम नहीं ले रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ, ये शैम्पू है पतंजलि का केश कांति। एंड इस पे इन्होंने लिखा है पतंजलि केश कांति नेचुरल हेयर क्लिंजर एंड द डेली डोज ऑफ नेचर फॉर योर हेयर, ऐसा करके इन्होंने एक छोटा सा यहाँ बना के लिखा है। उसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है बालों का टूटना और रूखेपन को दूर करे, बालों का टूटना, झड़ना व रूखेपन को दूर करे। 200 ml की ये बॉटल है, और ये इन्होंने नीचे लिखा है पतंजलि का ये प्रोडक्ट। बैक साइड की बात करें तो इन्होंने इसमें पतंजलि जो लोगो है वो दिया है, उसके बाद इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो दिया है, तो जल्दी से पढ़ लेती हूँ। और इसमें रीठा है, आंवला, भृंगराज, हीना, शिकाकाई, नीम, तुलसी, बकूची, हल्दी, गिलोय, घृतकुमारी, आमा, हल्दी। बट एक हैरानी की बात जो इसमें ये है कि इनका जितना भी जो इन्होंने लिखा है ना, जो जो ये हैं, उनकी जो क्वांटिटी दी है वो 5.0 मिलीग्राम है, 5 मिलीग्राम। तो 200 ml का ये प्रोडक्ट है और 5 मिलीग्राम अगर आप इनका भी करें तो बहुत कम क्वांटिटी में, जो जो नेचुरल ये बोल रहे हैं कि नेचुरल क्लिंजर है, नेचुरल चीज़ों से बना है, नेचुरल नेचुरल जो हर जगह पे लिखा है, बट आप यहाँ पे आप ये देखेंगे ना, तो इसमें जो क्वांटिटी है उन नेचुरल प्रोडक्ट्स की, उन नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स की, वो बहुत कम है, वो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद बेस मटेरियल इसमें एक्वा सरफेसेंट बेस, सरफेसेंट बेस जो बेस मटेरियल होता है शैम्पू का, वो इन्होंने नहीं दिया हुआ कि कौन सा बेस मटेरियल है। उसके बाद इन्होंने लिखा है विटामिन ई है, सनफ्लावर ऑयल है, यूरिया एंड IPBC है, और सुगंधित द्रव्य। पॉइंट इज कि यूरिया शैम्पूस में डाला जाता है कि नहीं डाला जाता, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। और क्या यूरिया बालों के लिए यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, बट इन्होंने ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने लिखा है सुगंधित द्रव्य, तो सुगंधित द्रव्य क्या हो गया, मतलब परफ्यूम हो गया, फ्रेग्रेंस या परफ्यूम, तो वो भी स्कैल्प के लिए अच्छा है या नहीं है मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसकी। हाँ, तो उसके बाद इन्होंने दिया कि कैसे उपयोग करना है, और बताया हो कि कैसे आप यूज कर सकते हैं, हर्बल कॉम्पोजिशन में रिजल्टेंट चेंज ऑफ कलर ऑफ प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस डजेंट चेंज द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कुछ टाइम के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है। तो इतना ये प्रोडक्ट है, और बॉटल जो है प्लास्टिक की बॉटल में आता है, तो पैकेजिंग यूजली ठीक ठाक है, इतनी कोई पैकेजिंग की क्या बात करें, इस तरीके की ये इतनी सी बॉटल में ही आता है, या फिर इसके सैशे आते हैं 1 रुपए का 2 रुपए का। चलिए, तो अब मैं बात करती हूँ कि मेरे ऊपर इसने किस तरीके से काम किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये शाइन देख सकते हैं, ये जो मेरे बालों पे शाइन है ना, ये इनकी वजह से, इस शैम्पू की वजह से है। ये मुझे वो चीज़ इस शैम्पू की बहुत अच्छी लग रही है कि ये एक बहुत अच्छी हेल्दी शाइन जो है वो बालों को प्रोवाइड करता है। सेकेंड थिंग इसकी सच में इससे लगाने के बाद बाल कम झड़ते हैं, मतलब इतना जितने पहला हेयर फॉल होता है उतना नहीं होता है। हेयर फॉल इज नॉर्मल कि आपका थोड़ा बहुत हेयर फॉल रोज का होना एक नॉर्मल बात है, बट इससे सच में हेयर फॉल कम हो जाता है।
एंड वन थिंग मोर कि मैं इसको यूज करती हूँ और मैं कंडीशनर नहीं यूज करती हूँ, मतलब मैं इसको यूज करती हूँ ऐसे ही और उसके बाद मैं कंडीशनर नहीं लगाती हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि शायद इसमें जो रीठा आंवला वगैरह है वो नेचुरल कंडीशनर होते हैं, उस वजह से शायद जरूरत नहीं पड़ती। एंड यू कैन सी कि मेरे बालों की थोड़ी लेंथ भी ग्रो हुई है, बट इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मैंने थोड़ा टाइम पहले हेयर कट करवाया था तो उसकी वजह से हो, बट इस शैम्पू की वजह से भी हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा इसने भी इम्पैक्ट किया हो। उसके बाद मेरे बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ भी रहता है, बट इसको लगाने के बाद डैंड्रफ जो है वो थोड़ा कम हुआ है, पूरा खत्म नहीं हुआ, 100% नहीं गया है अभी भी, बट इसको लगाने के बाद बहुत ज्यादा कम भी हुआ है। अगर आप ये शैम्पू परचेज करना चाहते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप इसे परचेज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ड्राई बालों के लिए ये इतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो जितना जिस तरीके से इसने मेरे लिए काम किया है, आपके लिए वो काम ना करें। उसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा अदर प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपकी स्किन में एलर्जीज रहती हैं, या फिर आप उनमें से हैं जो ऐसे शैम्पूज नहीं लगा सकते जिनमें केमिकल्स हों, क्योंकि इसमें क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें जो है वो फ्रेग्रेंस है, इसमें IPDC है, सुगंधित द्रव्य है, यूरिया है, तो आई थिंक उन लोगों के लिए नहीं है जिनको स्कैल्प के इश्यूज रहते हैं या फिर जिनको केमिकल से एलर्जीज हो जाएं या इरिटेशंस हो जाएं, तो वो लोग भी इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें जो नेचुरल चीजें बोली हुई हैं वो इतनी नहीं है जितनी इन्होंने दिखाई हुई है। अगर आप उनमें से हैं जिनकी ऑयली स्किन है, यानी कि जिनके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकालता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा सीबम है या फिर ऐसी फंगस हो जाती है ना जिनसे बहुत ज़्यादा डेंड्रफ होता है, तो आप ये शैम्पू ज़रूर यूज़ करें। आपको 100% 100 तो अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट 80% तो आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। उसके बाद बात करें कि कितने टाइम तक ये चलता है, तो मैं हफ्ते में 2 बार शैम्पू करती हूँ, तो ये मुझे परचेज किए हुए आराम से 1.5 महीना होने वाला है, बट इसमें अभी भी काफ़ी बचा हुआ है, तो इसमें इसकी बहुत हल्की थोड़ी सी ही क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है एक ही बार में जब आप शैम्पू, और मैं शैम्पू डाइल्यूट करती हूँ, यानी कि मैं पानी डाल के जो है उसके बाद शैम्पू करती हूँ, तो शैम्पू डालती हूँ उसमें पानी मिलाती हूँ उसको मिक्स करती हूँ फिर शैम्पू करती हूँ, तो उसे डाइल्यूट हो जाता है और एक ही बार में, ऐसा आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार आप शैम्पू करते हैं बालों को और जितनी भी गंदगी है वो ये निकाल देता है, बढ़ जाती है। उसके बाद बात करें इसके प्राइस की, तो ये 200 ml का प्रोडक्ट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 90 rupees में मिलता है, तो बजट फ्रेंडली है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, तो वो लोग जो कि एक बजट में अपना शैम्पू ढूंढ रहे हैं कि एक अच्छा शैम्पू हमें मिल जाए जो अच्छे तरीके से काम करे, तो ये शैम्पू उनके लिए है। बिकॉज आप और भी शैम्पू जब आप देखते हो ना मार्केट में, अदर ब्रांड्स जो हैं, जो भी शैम्पू है वो भी केमिकल से भरे होते हैं। सो दैट वाज इट, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा ओपिनियन, मैं ऐसा सोचती हूँ इस शैम्पू के बारे में, और मेरे लिए इसने इस तरीके से काम किया था जो कि मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है फिर भी तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ का आंसर चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स कम्प्लीटली फ्री, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।